नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झांसी के थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र से, जहां पर एक तेज़ रफ्तार कार ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्पित शर्मा टोड़ी फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। अर्पित, कहाँ से आ रही थी कार और क्या हुआ है हादसा, पूरा मामला बताइए। सर, ये मामला ये है कि ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो है, ये गुरुद्वारा की तरफ से मऊरानीपुर की तरफ जा रही थी, तेज गति से आ रही थी। अभी ये पंडवा स्टैंड पर पहुंचती है, इसके पहले से दो बुजुर्ग मोपेड गाड़ी लेके जा रहे थे, उनको इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो उस गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी का संतुलन खराब हुआ, तो सर एक दुकान में घुस गई गाड़ी। एक कार, जैसे तस्वीरों में हम देख रहे हैं, कार में कुछ लिखा हुआ है किसी विभाग की गाड़ी है, तो जी, किस विभाग की है? जैसे ये सर, इस गाड़ी पे गाड़ी के आगे एक नंबर लगी है, उस पर सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है सर, जिसमें सर एक महिला, एक पुरुष और ड्राइवर था, तो उनको भी चोटें आई है, तो पुलिस ने उनको जो है अपनी गाड़ी से उनको मऊरानीपुर अस्पताल भिजवा दिया है। ये कौन थे और कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चल पाया? जी सर, ये तो नहीं बताया गया, अभी ये इसकी जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये गुरुद्वारा से मऊरानीपुर तरफ जा रहे थे और जो मोपेड वाली गाड़ी वाले थे, वो दोनों तत्काल मौके पर उनकी मौत हो गई। अच्छा, ये जो मोपेड के सवार थे, ये दोनों लोग कहाँ गए थे? इनका भी सर अभी कन्फर्म नहीं हो पाया है, अभी इनकी जो है क्षेत्र में सूचना दी गई कि इनकी जो है पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी, मौके पर कौन से पुलिस अधिकारी पहुंचे और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी तो सर कोई नहीं पहुंचा, लेकिन यदि इसकी सूचना थाना अध्यक्ष चंदन पांडे को मिली, तत्काल जो है उप निरीक्षक चंद्रशेखर और कांस्टेबल वगैरह सभी लोग मौके पहुंच गए, जिनके द्वारा, क्योंकि सर भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी और गाड़ी की तोड़फोड़ की जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जो है भीड़ को हटाया और गाड़ी को वहां से दुकान में से सुरक्षित जेसीबी के माध्यम से, आप देख सकते हैं जेसीबी के माध्यम से बाहर निकाला और सर दोनों जो है डेड बॉडीयों को जो है सब्जी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया सर। अच्छा, अर्पित, क्या कारण बताया जा रहा है दुर्घटना का? कार तेज रफ्तार थी, अचानक से स्कूटी मोपेड सवार आ गए थे, या कोई और वजह थी दुर्घटना की? नहीं सर, वैसे देखा जाए तो कार जो मोपेड गाड़ी है उस पर जो 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 दोनों व्यक्ति एक्सपायर हुए वो काफी एज के लग रहे हैं, तो इतनी स्पीड में वो तो नहीं चल रहे थे, जो दुकानदारों ने बताया है, लेकिन जो गाड़ी आई थी बहुत स्पीड में आ रही थी सर, जो गाड़ी से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और मोपेड गाड़ी के नीचे आ गई, वो सर उसका पूरा संतुलन खराब हो गया, तो दुकान में घुस गई, क्योंकि सर जी विशाल नाम का जिसकी दुकान में घुसी है गाड़ी, तो विशाल श्रीवास्तव सर उसके जो है उसको भी चोटें आई है, तत्काल उसको यहीं पे जो है लोकल में डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट करवा के दोनों पैरों में चोटें लगी है, तो वो जो है बच गया, लेकिन दुकानदार में काफी नुकसान हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित इस जानकारी के लिए। तो ये टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड सवारों को रौंद दिया है और बड़ी बात यह है कि दोनों की मौके पर ही दोनों इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।